नमस्कार, मैं गणेश मौर्य, आप देख रहे हैं न्यूज 9 नेटवर्क। कटहरी विधानसभा उपचुनाव को लेकर जनता ने अपना पक्ष पहले भी रखा था और हाईकमान भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जब धर्मराज को टिकट मिलता है तो यहाँ की जनता में जो खुशहाली है वो आज जाहिर करी है। जनता ने साफ तौर पर आज कह दिया है कि अगर धर्मराज जैसा नेता नहीं जीत पाएगा तो भारतीय जनता पार्टी को यहाँ अपना उम्मीदवार नहीं कभी उतारना चाहिए, क्योंकि उनका स्पष्ट बहुमत भारतीय जनता पार्टी नहीं धर्मराज निषाद की तरफ जा रहा, और अगर कहीं भारतीय जनता पार्टी हारती है तो योगी आदित्यनाथ के लिए करारी हार होगी, मुख्यमंत्री के लिए करारी हार होगी, उनके संगठन के लिए करारी हार होगी। क्योंकि जो कुछ कहीं कहीं सुनने में ये आ रहा है कि ब्राह्मण महासभा करने वाली है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि ब्राह्मणों से भी जब बात होती है तो ब्राह्मण ने साफ तौर पर कहा कि हमारा वोट वहीं जाएगा जहां हम देना चाहते हैं कि धर्मराज निषाद पे। लेकिन अगर धर्मराज निषाद को नहीं मिलता, किसी छत्री को मिलता या तो किसी ब्राह्मण को मिलता तो फिर यहां जीत होना मुश्किल हो जाता। लेकिन धर्मराज ऐसे कैंडिडेट हैं जिस पे भारतीय जनता पार्टी ने जनता के मुद्दों को लेकर और जनता की बात को लेकर यहां पर अपनी मुहर लगा दी, क्योंकि धर्मराज कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं और धर्मराज ने साफ तौर पे कहा कि हम चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, यहाँ की जनता लड़ रही है। क्योंकि ब्राह्मण बहुत आक्रोशित भाव दे दुविघ्न टिकट माने काने और एक ही माफिया लुकुर लुकुर चल तो जनता बहुत आक्रोशित बा, ये उनका बहुत जीता आसान ना एक पक्का जाना। यहाँ ब्राह्मण एकदम आक्रोशित है, यहाँ निर्णय मैंने बताया है कोर्ट ब्राह्मण है। सुनिए आप मेरी बात को आप सुन लीजिए। मैंने यहाँ पे जो ब्राह्मण किया, ब्राह्मणों से जो मैंने कहा कैमरे पे, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि आप अपनी गाड़ी को रोक कर उसके बाद मुझसे आ गए, ब्लॉक प्रमुखी भी लिखा हुआ है आपके गाड़ी पे, तो किसी एक व्यक्ति विशेष से चुनाव नहीं जीता जाता है? नहीं जीता जाता है यार, क्यों नहीं जीता जाता है? तो फिर क्या लग रहा है कि योगी आदित्यनाथ को करारी हार दे देंगे? नहीं, योगी आदित्यनाथ बारे में हम ना बोला, हम सिर्फ ब्राह्मण आक्रोशित बस, बिना ब्राह्मण। देखिए ब्राह्मण कह रहे हैं, देखिए मेरे यहाँ भी ब्राह्मण है, कोई ब्राह्मण भाजपा का विरोध नहीं कर रहा, आप कोई सिंगल व्यक्ति किसी का कोई बात नहीं भाई साहब, देखिए और किसी के बस में कोई नहीं होता है, और किसी बस में नहीं है कि अब इनके साल हम प्रधानी के पांच साल भी दी के दूठी पट्टा लाइके अथवा बिल भी रही करत है। ठीक है भाई साहब, है धर्मराज के और लाइके कैप के परसेंट निषाद है, मैं कहता हूं ये इसमें परसेंट की क्या बात है, परसेंट बात आया तू जात बात जोड़ा है, बात यहां के फालतू काम ना बोला के, आज हम हमसे हमसे हम आपके बारे में नहीं बोल रहे, हम अपनी बात रख रहे हैं, यही यही रुबाया हमसे तो रुबाया ना, अपनी बात कर रहे हैं बहुत ज्यादा, आप अपनी बात करिए मैं अपनी बात कर रहा हूं, टिपिर बहुत ज्यादा कर रहे हैं, आप अपनी बात रखिए मैं अपनी बात, बिल बिल भी आ गया, मैं अपनी बात रख रहा हूं, अपने अब रखे होते हैं बात थोड़ी, आप बात जो दादागिरी में थोड़ी काम से चलेगा भाई, जो बात जनता कह रही, जनता मेरे पास भी ब्राह्मण है, मेरे भी गांव में ब्राह्मण है, यहाँ भी ब्राह्मण, कोई ब्राह्मण विरोध नहीं कर रहा, अब भाई किसी का व्यक्तिगत किसी से दुश्मनी हो तो उसकी बात अलग है, लेकिन सामाजिक तौर पर आप टहल रहे हैं, बताइए आप भी तो बता रहे हैं कि ब्राह्मण कोई विरोध नहीं कर रहा है, किसी का कोई बात नहीं। अच्छा ही बताइए, अरे भाई मैं कह रहा हूँ, अगर अगर कटहरी से कितनी बार धर्मराज हारे हैं? कटहरी से मान लीजिए कटहरी जीत गए, बसपा थी जब जीते, बसपा जीत, मेरी बात सुनिए, ये तो आप जिसकी बात कर रहे हैं अवधेश द्विवेदी, दो दो बार भारतीय जनता पार्टी ने दिया हार गए, लेकिन कारण एक बार अजय सिपाही लड़ गए, एक बार पवन पाणी लड़ गए, नहीं तो हार, तो फिर तो यहाँ छत्री और ब्राह्मण का चलेगा खेल? नहीं नहीं, खेल छत्री बिल्कुल पसंद नहीं करता है, ब्राह्मण अगर खड़ा हो जाता छत्री बिल्कुल वोट नहीं करता, नहीं पसंद करता, हम क्षत्रिय है, ठाकुर है, पंडित ना है, तो एक एक दो चार लोगों से, लेकिन छत्रियों का जहां तक मिजाज आया है इससे पहले 50-60% नखुश, यहाँ सबसे ज्यादा मजबूत अवधेश दुबे, अवधेश दुबे हर गांव में अपना टीम तैयार किया है, हाँ, तो इसके मतलब भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट ना डालने की अपील करेंगे वो? ना ही अपील कुछ ना किए हैं, लेकिन अभी जो आशा भाई का बहुत साफ तौर पे न जाने के जीत जाए, हाँ, तो इसके मतलब भारतीय जनता पार्टी को ब्राह्मण वोट नहीं करेगा? ना ही एक ही कैसे भाई नाखुशवा अभी नाराजगी जतावत हुआ। अच्छा, मैंने होली सम्मेलन सुना था लेकिन दिवाली सम्मेलन मैंने पहली बार सुना। पहली बार। अच्छा, नाराजगी और कौन सम्मेलन बा? वही तो, हाँ वही नाराजगी, वही नाराजगी, तो फिर योगी आदित्यनाथ मनाएंगे? अब के मनावे का ना पता बा, जब तक ब्राह्मण
पहले हमारे हम आज तक जब से जन्माई भाजपा कोड दी, लेकिन जब तक ब्राह्मण यहाँ सही न उकरे तब तक जीत उतना पाए, बूथ ठाड़ ना हो पाए। कई गांव निषाद बा, कई गांव ठाड़ हुए बूथे पे, यहाँ ब्राह्मण और ठाकुर बूथ पे ठाड़ होता था तभी भाजपा इतनी स्टैंड लड़ती थी। ये यहाँ यहाँ उत्तर से लेके मैं कह रहा हूँ, अगर ब्राह्मण मजबूत था तो फिर कटहरी में जब लोकसभा चुनाव का हुआ तो करारी हार क्यों मिल गई? करारी हार एकरे मारे मिले, वो लल्लू सिंह बोल रहे हैं आरक्षण मुद्दा चला गया, बेरोजगारी चला गया, इसीलिए करारी हार मिली। नहीं दो दो विधानसभा आप देखा लड़े बाटे और दे दुबे 80 से 85-90 हज़ार वोट पाए, और एक बार अजय सिपाही लड़ा होते जीते, अब तब की पवन पाणे लड़ा होते, चुनाव जीता जीतावा हारिए। आज कटहरी विधानसभा में हूँ क्योंकि कटहरी विधानसभा की जनता के मन में क्या चल रहा है और इनका मिजाज क्या है, इनसे पूछेंगे। भैया क्या नाम है आपका? पहले आप जी क्या नाम है? अहमद हसन। क्या लग रहा है लोगों के मिजाज में, क्या है दिमाग में, क्या है जहन में, क्या है क्या कि समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी या भारतीय जनता पार्टी? क्या यहाँ तिकोड़ीय लड़ाई है और तीनों लड़ रहे हैं, मेरी बात समझ में? लोगों की राय अब तक क्या आई है? देखिए देखिए लोगों की राय सब ही मिली जुली राय है, प्रक्रिया मिली जुली है लोगों की, लड़ाई तीनों की है। अब कौन बाजी मार ले जाए ये तो भाई बाद में पता चलेगा, पहले पता चल नहीं सकता क्योंकि मतदाता भी सब खामोश है, कहीं जाओ कोई बोल नहीं रहा है। आप भी इसी विधानसभा में रहते हैं, ठीक है, तो क्या लग रहा है लोगों की पसंद, पहली पसंद क्या है? यहाँ जो है भाजपा और सपा, यही पहली पसंद है, इसके बाद बसपा का नंबर आता है। देखिए इसमें कौन जीतता है ये तो जनता के ऊपर निर्भर है, लेकिन अब की ये लग रहा है परिवारवाद का आरोप लोगों में लग रहा है तो धर्मराज निषाद से ही सबकी लड़ाई बन रही है। जी मैं महात्म शुक्ला शुक्लपट्टी। अच्छा कहते हैं कि पंडित विरोध कर रहा है, पंडित वोट नहीं देगा, ऐसा कुछ नहीं है, कोई विरोध विरोध नहीं है, साइलेंट है, है? सब परिवर्तन भी चाह रहे हैं कि एक ही परिवार को न दिया जाए। अच्छा धर्मराज को क्यों पसंद कर रहे हैं लोग? धर्मराज क्योंकि चार बार के विधायक रहे और चार बार के विधायक रहने के बाद उनका सौम्य चेहरा, न कोई जातिवाद, न कोई भाषावाद, न कोई क्षेत्रवाद, कुछ भी नहीं, और चार साल से वो बीजेपी के लिए एक समर्पित कार्यकर्ता की तरह जुड़े रहे हैं, तो लोगों में एक संदेश जा रहा है कि इनसे अच्छा कोई प्रत्याशी नहीं है, कोई जातिवाद परिवारवाद का आरोप भी नहीं लग रहा। अधि द्विवेदी को देखिए कि टिकट नहीं मिला, वो तो फिर टिकट ना मिलने पे विरोध उनकी तरफ से जताया गया, विरोध ऐसा जताया गया कि अपने कुछ कार्यकर्ताओं को उन्होंने नाराजगी व्यक्त की है, जिसमें मैंने होली सम्मेलन सुना था लेकिन दिवाली सम्मेलन नहीं सुना था, लेकिन दिवाली में सम्मेलन करने वाले हैं ब्राह्मण सभा का, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा जी। पार्टी कार्यकर्ता सब लोग ये चाह रहे हैं कि सबको चांस दिया जाए और चांस मिला धर्मराज जी को, वो चार बार का विधायक भी रहा है, उसका भी असर है, और शालीनता सौम्य हर चीज़ जो है इनके लिए फिट बैठता है। मैं जब इस क्षेत्र का भ्रमण किया था इससे पहले, जब टिकट नहीं दी थी भारतीय जनता पार्टी ने, अपना कोई कैंडिडेट नहीं चुनी थी, दावेदार तो कई थे, लेकिन जब टिकट मिलने के बाद इतना विरोध करना, क्योंकि वो तो पार्टी लेवल की बातें होती हैं कि पार्टी किसको देती है, क्योंकि जनता के जो रुझान आ रहे थे, जनता ने तो धर्मराज निषाद पे ही कहा था कि धर्मराज निषाद अच्छी फाइट करेंगे। नहीं जरूर करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं, फाइट करेंगे। यह एक लड़ाई समाजवादी पार्टी से ही है, बसपा अपने अस्तित्व के लिए लड़ रही है। तो कहीं ब्राह्मण समाज कटेंगे तो नहीं? ऐसा मुझे नहीं लगता है, क्योंकि दो बार अवधेश द्विवेदी को भी चांस दिया गया, लेकिन कोई इसके बाद भी चांस देने के बाद भी वो किसी कार्यक्रम में वो नहीं पहुँचे हैं, न इस तरह के किसी पार्टी कार्यकर्ता में वो दिखाई दिए, अगर कार्यकर्ता ने उनको बुलाया, दो बार भी उनको चांस दिए। अच्छा अपने निजी स्वार्थ के लिए भारतीय जनता पार्टी अब उनके लिए खराब हो गई है, ऐसा तो लग रहा है अब भी जी। आप नहीं कुछ बोलेंगे? हम कुछ नहीं बोलेंगे, हम बहुत परेशान हैं। अच्छा क्यों परेशान हैं? परेशान इसके लिए है, यहाँ पर जितने आंगनबाड़ी वो जितने हैं बैकवर्ड के सबको हटा दे रहे हैं, वोटिंग के लिए
बैकर का कोई आदमी नहीं, इस प्रधानों की मीटिंग लेके दबाव बना रहे हैं। कल राशन कार्ड वालों की मीटिंग थी, सबको कह रहे हैं कि इलेक्शन जीतना है 50-50 साठ साठ वोट का इंतजाम करो। बताओ एक प्रधान कैसे करेगा? गांव की प्रधानी अलग होती है, हर आदमी का अलग अलग व्यवहार होता है, पार्टी के लिए प्रधान थोड़ा चिल्लाएगा, अपना वोट खराब करेगा। तो इसीलिए प्रशासन शासन भैया बहुत दबाव डाल रहा है, और कोई भी आदमी आपको नहीं मिलेगा। हम भी कह रहे हैं भाजपा जीत रहे, क्यों नहीं तो तुरंत अभी पुलिस डंडा लेके हमारे घर पहुंच जाएगी। ये सब बात है, जाने दो जो जीतेगा। आपने देखा होगा लोकसभा चुनाव में भी, लोकसभा चुनाव में जनता ने लालजी वर्मा को चुना, अपना सांसद चुना, लेकिन उसमें कहा पुलिस तो आप लोग के गांव में आई। भागना पुलिस पहुंच गई थी। हाँ भाई, लेकिन रही बात ये है, अब भाजपा के खिलाफ बोलना तो अम्बेडकर नगर में बहुत भारी बात। आप एक गणित हमको बता दीजिए, 1,02,000 वोट लालजी वर्मा पाए, 45,000 वोट हाथी पाई, 80,000 भाजपा पाई, 20,000 वोट कवर करना भारी है। लालजी वर्मा का डंका बजने वाला बजेगा, कोई रोक ही नहीं सकता। अम्बेडकर नगर बनाया किसका है? लालजी वर्मा ने मेडिकल कॉलेज लाया, इंजीनियरिंग कॉलेज लाया, जितना भी विकास हुआ है वो चाहे जिस दल में रहे हो, नंबर एक का विकास अम्बेडकर नगर का लालजी वर्मा के अलावा कोई कुछ नहीं किया है, कोई कुछ किया ही नहीं है आज तक। तो बताओ ऐसे मसीहा को कोई हरा पाएगा जल्दी? नौ नौ बार के विधायक है, जमीनी नेता है, पार्टी के नहीं। अगर वो आज खड़े हो जाए 80,000 वोट कम मिलेगा निर्दल, तो फिर बीएसपी से चले क्यों आए? अरे निकाल दिए गए। क्यों निकाल दिए गए? मालूम नहीं, उनका अंतरिम मामला रहा होगा या सतीश मिश्रा का मामला रहा होगा, उनसे नहीं जमी होगी। वो भी आई कमाने, भी आई कमा साथ साथ चार चार पाँच पाँच बार मिनिस्टर रह चुके हैं, और एक ही पांच मंत्रालय उनके पास था, नहीं जमी होगी उनका आपसी भाई। लेकिन निकाल दिए गए, लेकिन वो अपना दल से भी थे, वो उसे जनता दल से एकमात्र विधायक थे सनत्सी में, यहाँ से जीत कर गए थे। आप समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं? नहीं भैया, मैं तो प्योर किसान यूनियन हूँ, मैं किसान यूनियन हूँ। हम लोगों के ऊपर बहुत अत्याचार हो रहा है, बहुत ये सब हो रहा है भैया, हमारे किसान लोग वहाँ मर रहे हैं, लाठी खा रहे हैं। आपने राजस्थान में देखा होगा, राजस्थान के चुनाव में क्या हुआ? राजस्थान के चुनाव में जो हुआ सो हुआ, किसान ने लाठी भी खाया फिर भी भारतीय जनता पार्टी जीती। अरे भाई, हरियाणा में भी तो जीत गई, और पंजाब का देखिए कैसे जीत गई, नगर पालिका का कैसे जीती, और क्यों निरस्त कोर्ट ने किया? ये अकल होना चाहिए। रिटर्निंग ऑफिसर का उसमें स्थान की बात आप किए, हम बोल रहे हैं आपसे, सवाल कर रहे हैं कि पंजाब में कैसे चेयरमैन बन गया, कैसे बना? वो तो नहीं, आप अपने मुंह लगाकर बोलिए। हाँ मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि उसमें तो रिटर्निंग ऑफिसर की जो मतदाता पर्चियां थी उसको निरस्त करते हुए वो कैमरे में कैद हो गई थी। इसीलिए वहां पे कोर्ट ने आदेश दिया, कोर्ट के आदेश के बाद वो निरस्त फिर हुआ। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जहां कैमरे की निगाह नहीं हो पाती है, वहां क्या होता है क्या नहीं होता है, ये तो चुनाव आयोग तय करता है क्या चुनाव कैसे करवा रहा। और ये तो शासन की कमी है, सबसे बड़ी कमी है सरकार की कमी है। इतने भ्रष्ट रिटर्निंग ऑफिसर को क्यों वहां बैठा दिए? ऐसा सब जगह होगा, चाहे राजस्थान पकड़ो, चाहे यूपी पकड़ो, चाहे जहां, जब भ्रष्टाचार का ही बोलबाला है, कौन सुरक्षित है? कोई आदमी सुरक्षित है? हर एक जगह केवल तानाशाही। कुर्सी नेताओं को तो हम तो भाई नेतागिरी करते नहीं, लेकिन कुर्सी को नेताओं की लालच पर, चाहे दंगा कराना हो, चाहे मार कराना हो, चाहे रेलवे फूंकना हो, ये लोग करें, लेकिन आदमी के रोजी रोटी का सवाल नहीं है।
आप तो मुस्लिम समाज से हैं, तो मुस्लिम मतदाताओं का रुझान क्या बता रहा है? देखिए, मुस्लिम मतदाता जो है समाजवादी की तरफ ज्यादा है। अच्छा, और बहुजन समाज पार्टी की तरफ? जो कुछ नाराज हो बहुजन समाज पार्टी की तरफ जाएंगे। और व्यक्तिगत व्यवहार जिनका है धर्मराज जी से, उधर भी लोग जाएंगे। अच्छा, तीनों तरफ बटेंगे व्यवहार जो है जी। अच्छा, मुस्लिम, क्योंकि मुस्लिम मतदाता अगर थोड़ा भी, अगर 2% भी अगर भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाती है तो नुकसान किसका होगा इसमें? नुकसान देखिए तो समाजवादी पार्टी का ही होगा, लेकिन ऐसा जो है लग नहीं रहा है, क्योंकि और पार्टियां जो हमें जो है और कास्ट के लोग जुड़ रहे हैं उससे, ये भी देखा जा रहा है। क्या लग रहा है लोगों की रुझान क्या बता रहे हैं? अब रुझान हम कैसे सबका बता सकते तो? नहीं, फिर भी आपके हिसाब से? हाँ, हम तो बीजेपी को देंगे। अच्छा, धर्मराज निषाद जी। अच्छा, क्यों धर्मराज निषाद को? हमको बीजेपी पसंद है, बीजेपी को देते हैं बस। अच्छा, क्या नाम है आपका? शिवशंकर सिंह। अच्छा, क्षत्रिय हैं जी। तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि ब्राह्मण नाराज है, तो क्या ब्राह्मणों में ऐसा है कि ब्राह्मण नाराज रहेंगे? ब्राह्मण तो नहीं नाराज रहेंगे, धर्मराज निषाद के लिए नहीं नाराज देंगे जी। क्योंकि एक प्रत्याशी को टिकट ना मिलने के कारण, अवधेश द्विवेदी को टिकट ना मिलने के कारण नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं, तो इससे कोई फर्क पड़ेगा चुनाव में? फर्क तो नहीं पड़ना चाहिए, अब देखिए अब क्या करते हैं, ब्राह्मण तो ब्राह्मण की बात है। तो धर्मराज निषाद यहाँ पे हैं जी। और भैया नाश्ता कर लिए? क्या लग रहा है यहाँ पे? भैया इस क्षेत्र के हैं नहीं, दूसरे क्षेत्र के हैं, बहुत ज़्यादा जानकारी है। दूसरे क्षेत्र के जी। भैया क्या लग रहा है यहाँ पे लोगों का मिजाज क्या है? मिजाज अच्छा है। किसके प्रति है? कमल। कमल। अच्छा, क्या नाम है आपका? हमारा नाम विश्वनाथ। सुनार है? नहीं, एससी है। एससी है। तो कहते हैं कि एससी समाज बहुजन समाज पार्टी को देती है, आखिर आप धर्मराज निषाद को क्यों चाह रहे हैं? भैया देखें माहौल। अच्छा, माहौल। धर्मराज निषाद जातिवाद करते हैं या नहीं करते? नहीं, सबके लिए बराबर है, ऐसा बात नहीं। तो यहाँ पे जो पोजीशन बता रहा है वो धर्मराज निषाद? देखिए भैया, क्योंकि आउटसोर्सिंग वाले संविदा वाले ने सब सैलरी बढ़ रहा है। अच्छा, क्या सफाई कर्मी में है क्या? क्योंकि भाई जो काम करेगा वही जीतेगा। तो काम कर रही है बीजेपी? हाँ, बीजेपी अच्छा काम किया। नहीं नहीं, आप बैठिए बैठिए। क्या नाम है आपका? अक्षयलाल। यहाँ लोगों का मिजाज क्या बता रहा है उपचुनाव में? मिजाज भाजपा चुन जा रही है। भाजपा के? हाँ। अच्छा, किस बिरादरी से हैं आप? राजभर। अच्छा, फिर भी भाजपा। हाँ। अच्छा, तो धर्मराज निषाद की तरफ जा रहा है? हाँ जी। हाँ, आपका जी? आपका यही जयसिंहपुर। अच्छा, क्या लग रहा है आप लोगों को इस बार चुनाव? धर्मराज जी के आने से रोचक बन गया, बढ़िया होगा। अच्छा, ब्राह्मण कहीं नाराजगी तो? अब इसके बारे में जानकारी नहीं है जी। लेकिन धर्मराज जो है, धर्मराज जमीनी नेता यहाँ के हैं, उनका हर कास्ट में पकड़ है, हर जात में उनका यानी कदर है, और सीधे स्वभाव के इसलिए जनता उनको लाइक कर रही है। आपकी क्या पसंद है? भाई साहब, मैं यहाँ का वोटर तो नहीं हूँ इस विधानसभा का, लेकिन जानकारी मैं हर विधानसभा क्षेत्र के बारे में रखता हूँ, क्योंकि मैं टहलने वाला व्यक्ति हूँ और लोगों से जुड़ा रहता हूँ, सोशल वर्कर हूँ। फिर तो आपसे बात करना और भी अच्छा मेरे लिए रहेगा। मेरा नाम रामलाल धुरिया, मैं शिव बाबा के पास मेरा मकान है 9 बाजार में। तो जैसे धर्मराज जी है, यहाँ पहले भी कटहरी, जो मेरा मकान है जहाँ कटहरी क्षेत्र में ही पहले था, लेकिन अब परसीमन के बाद बदल गया है। धर्मराज एक ऐसे नेता है जिनके पास कोई भी व्यक्ति जा सकता है, वो आम नागरिक कोई भी है, कोई भी बिरादरी का हो, तुरंत सुनवाई करते हैं। मैं तो उनके यहाँ गया भी हूँ। एक कवि ने एक पंक्ति कही है ना, कि किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं। तो धर्मराज, जो धर्मराज नाम है, वो भगवान की श्रेणी में पब्लिक के लिए है। ऐसा नेता भाजपा ने दिया है, ऐसा प्रत्याशी दे दिया है, कि अगर अगर जनता गुमराह कोई भी करे, जनता बड़ी समझदार है,
इस बार कटहरी से मैं तो देख रहा हूँ, कटहरी में टहल भी रहा हूँ, मैं यही तालाब लिया हूँ, मत्स्य पालन करता हूँ, और ये कटहरी विधानसभा क्षेत्र में ही आता है, मेरा है अकबरपुर विधानसभा क्षेत्र। लेकिन ये समझिए कि अगर धर्मराज हार जाते हैं तब तो समझिए कोई नेता जीत ही नहीं सकता, भाजपा का कोई नेता नहीं जीत सकता। और जहाँ तक जात पात की बात है तो उनको चमार बिरादरी से लेकर कोई बिरादरी ऐसी नहीं जो उस व्यक्ति को वोट देने से इनकार करे। ये भी प्रधान जी हैं यहाँ के, बाबूलाल जी, और ये भी उनको बहुत अच्छी तरीके जानते हैं। लेकिन ये बात यहाँ नहीं है, उनका कोई विरोधी नहीं है, कोई भी व्यक्ति ऐसा व्यक्ति आपको मिलेगा नहीं पूरे क्षेत्र में जो उनके आप किसी से पूछेंगे कौन जीत रहा तो धर्मराज का नाम लेगा, बीजेपी का नाम नहीं लेगा। एक बात आप ध्यान दीजिए, आप पत्रकार हैं कहीं भी जाइए, बीजेपी का नाम बड़ी जात वाले ले सकते हैं ठाकुर ब्राह्मण, लेकिन छोटी जाति से आप पूछेंगे कौन जीतेगा तो कहेगा धर्मराज, बीजेपी का नाम नहीं लेगी। जैसे मोदी, कौन जीतेगा, मोदी सरकार बनेगी, उससे यहाँ कटहरी क्षेत्र में किसका राज होगा, धर्मराज का राज होगा। तो अगर इस बार भाई साहब नहीं जीते तो बीजेपी को जान लीजिए सीट ही छोड़ देनी चाहिए, तब सपा बसपा लड़ेगी, इसको छोड़ देना चाहिए, तब लड़ना नहीं चाहिए। ये ऐसा प्रत्याशी दे दिया बीजेपी ने। और एक बात तो ये है कि जो टिकट पाया है, चाहे वो लाल जी वर्मा हो चाहे अमित वर्मा जी हो, सब लोग जानते हैं पैसे से जिसकी पकड़ मजबूत हो, जो पैसा वाला है उसको ये पार्टियां टिकट देती हैं, और जो गरीब व्यक्ति है जिसके पास पैसा नहीं है वो उस पार्टी में टिकट नहीं पा सकता, जिंदगी भर उसमें गुलामी करे, नेतागिरी करे, लेकिन सपा बसपा में टिकट नहीं पा सकता है। लाल जी का विरोध पूरे क्षेत्र में है, आप देख लीजिए हर जगह विरोध है। अरे भाई, जब उनकी पत्नी को खड़ा करना चाहिए था तो ये सीट क्यों वो लड़ गए, वो अपनी पत्नी को यही सांसदी वाला टिकट दिलवाए होते, ये सीट बची रहती, पब्लिक का खर्चा बचा रहता, पब्लिक जागरूक है, पब्लिक जान रही है, इस खर्च को जान लीजिए लाल जी वर्मा बढ़वा दिए हैं। अरे भाई, जब अपनी पत्नी को ही लड़ाना था तो यही सांसदी लड़ा देना था अपनी पत्नी को, विधायक को बने रहते, सांसदी जो जीत हार होती। अब मामला दूसरा हो गया, चुनाव पब्लिक पर बोझ पड़ रहा ना, तो ये तो सारी देन लाल जी वर्मा जी की है, वो चुनाव लड़े और अब वो जीत गए, सांसद बन गए। अब उनको चाहिए था कि कोई भी वर्मा बिरादरी का वो लड़ता, और तमाम नेता है वर्मा बिरादरी में सपा से, लेकिन इनको कैंडिडेट नहीं बनना चाहिए। लेकिन अब भाई पैसे की बात है, पैसे वाली पार्टी है। अरे तो कहिए, भाजपा एक अच्छी पार्टी है, धर्म के नाम पर चाहे जिस नाम पर वो वोट मांगती जो भी, लेकिन टिकट उसका बंटवारा जो होता है, मैं ये देखता हूँ कि टिकट बंटवारा उसका बड़ा अच्छा होता है। जैसे हरियाणा में सब ने कहा कि अरे कांग्रेस सरकार कांग्रेस, लेकिन टिकट का बंटवारा उसने ऐसा किया कि 240 वोट 150 500 वोट से जीत गई, तमाम सीट जीत गई, और देखिए कांग्रेस धराशायी हो गई। तो भाजपा का टिकट का बंटवारा जो है वो बड़ा लोकप्रिय है, जनप्रिय है, और जनता के हित में काम हो रहा है। मैं तो ये भाई साहब कहूँगा कि धर्मराज अगर नहीं जीतते हैं तो इस सीट को भाजपा को लड़ना नहीं चाहिए अगले आने वाले चुनाव में। यही चुनाव का मिजाज है, हर बिरादरी के लोग भाजपा में वोट दे रहे हैं। कोई बिरादरी आपको ऐसी नहीं मिलेगी जो कह दे नहीं धर्मराज नहीं जीत रहे। बीजेपी का नाम नहीं मैं कह रहा हूँ, बीजेपी की माँ बात ही नहीं कर रहा हूँ, वो व्यक्ति विशेष ऐसा व्यक्ति है, कहीं दौड़िए पूरे अकबरपुर विधानसभा क्षेत्र में, किसी विधानसभा क्षेत्र में जाइए, कौन जीतेगा, धर्मराज। टिकट किसको दे दें, धर्मराज को। धर्मराज को टिकट मांगने के लिए आप कहीं भी पत्रकारिता करते हो, कहीं भी जाइए, सब लोग कहते थे अगर धर्मराज टिकट पा जाएंगे जीत जाएंगे। ये है भैया धर्मराज का विषय। अब धर्मराज जान लीजिए ऐसा प्रत्याशी मिल गया समाज को और देश को, और पिछड़ी जातियों, मैं तो कहाँ समाज से आता हूँ, मैं तो चाहता हूँ कि जो अति पिछड़ी जातियाँ हैं उनको अपने दिमाग को एकदम कंट्रोल कर लेना चाहिए कि भाई किसको जिताना है। एक जात विशेष का किसी भी पार्टी में अगर कब्जा रहेगा, दबदबा रहेगा, तो समाज को न्याय नहीं मिल सकता। अभी किसी अन्य बिरादरी से, वर्मा बिरादरी से कोई बात भिड़ जाए तो फिर न्याय कौन देगा, न्याय अति पिछड़ी वाला ही करेगा। भले ही किसी को बुरा लगे, ये बात हमारी बुरा भी लग सकती है, लेकिन जो न्याय वाली बात है आप यही समझिए, जब अपना नेता होगा तो अपनी बात सुनेगा, अपना नेता नहीं होगा तो अपनी बात सुनने वाला भाई साहब कोई है नहीं। तो मैं तो चाहता हूँ नाऊ कहार लोहार बढ़ई तेली जो इस प्रकार की बिरादरी है, इनको तो एक तरफा वोट देना चाहिए धर्मराज को, क्योंकि उनके आप कमरे में जाइए, घर पे जाइए, कहीं रोक लीजिए, उनके पास कोई शैडो, कोई गुंडा, कोई पिस्टल लेकर घूम नहीं रहा है बदमाश। इन लोगों के पास, बड़े नेताओं के पास जाए, इनके पास तो इतने कर्मचारी लगे हैं लेकर पिस्टल रिवाल्वर की, इनके पास जाना ही दुर्लभ है, समझ लीजिए आप, इन लोगों के पास जाना ही दुर्लभ है, इनके पास जाने में हवा खसक जाएगी आदमी की, गरीब आदमी की। तो मैं तो भाई साहब यही चाहूँगा, और मैं शुभकामना भी देता हूँ, बधाई देता हूँ भाजपा पार्टी को जिसने धर्मराज जी को टिकट दिया। और जनता से मैं अनुरोध करूँगा, पूरी जनता से, कि देखिए प्रत्याशी अच्छा है,
आप पार्टी विशेष की बात मत करिए, प्रत्याशी ऐसा मिला है जो सबकी बात सुनता है, गरीब अमीर की बात जानता है। अपने समय में जब वो विधायक था तो पूरे क्षेत्र का विकास किया है, जहाँ रोड नहीं थी, प्रधान जी मैं गलत कह रहा हूँ, वहाँ रोड दिया है, हर गांव में, हर जिले में, हर मतलब यहाँ जितना जिला है पास पड़ोस में सब लोग उस व्यक्ति को जानते हैं। तो मैं तो भैया यही कहूँगा कि अगर वो जीते हैं। ग्राम सभा हरचंदपुर में आप आए हैं और हम अपने ग्राम सभा हरचंदपुर प्रधान प्रतिनिधि, मैं बाबूलाल बोल रहा हूँ। मैं अपने ग्राम सभा वासियों की तरफ से आपको, पत्रकार भाइयों को और भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं को हार्दिक धन्यवाद देते हैं, लेकिन आदरणीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं जो ऐसे सामाजिक और न्यायप्रिय और सामाजिक कार्यकर्ता और सबके दुख सुख में भाग लेने वाले धर्मराज निषाद को जो टिकट दिया गया, इससे हमारी ग्राम सभा बहुत संतुष्ट है और हम सब धर्मराज जी के साथ में। हमारी यही कामना है कि सभी लोग इनको जिताएं। हम अपने ग्राम सभा की तरफ से आपको और इस भाजपा पार्टी को धन्यवाद देते हैं।